नमस्कार, केवी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं बड़ी खबरें। पत्नी द्वारा अपने ही पति की दी गई सुपारी का हुआ बड़ा खुलासा। मुरादाबाद थाना कटघरे क्षेत्र में पत्नी ने अपने ही पति की सुपारी दे डाली और पुलिस को क्या गुमराह, देखिए ये रिपोर्ट। पूरी बात बताइए कि आखिर किस बात को लेकर आपका अपने पति से झगड़ा था, क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी जैसे शादी होने के बाद में 15 दिन हुआ शादी के ऊपर 16वें दिन से मारपीट करनी शुरू कर दी। इसी मारपीट करते करते कभी निकाल दिया बाहर, कभी चिपकलों में मारा, कभी कहीं मारा, बहुत पिट पिट के बर्दाश्त कर करके रहती रही, घुट घुट के ऐसे। अब फिर जब बच्चे हो गए फिर वो अय्याशियाँ करनी शुरू कर दी। ये काम तो बहुत दिनों से कर रहा, जिस दिन से उन्होंने के डंडन वंडन शुरू कर दी यही पेशा करे कर। क्यों मारता था आपको, मतलब कुछ शक करता था आप पे, क्यों, मतलब क्या कहता था? जो गलत काम करे कर तो उनसे खुश नहीं थी, इसी बात में मारे करे। मैं जैसे शक करे कराई या मैं देख ले कराई कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कह रहे हैं ये तो मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, मैं ये ना चाह रही कि मेरे घर में गलत औरत आ, मैं ये कह रही तू कुछ और करता। फिर कुछ और महिलाओं से भी उनके संबंध है? सबसे यही संबंध है, ये तो सारी प्रॉब्लम है। तो मैं ये चाह रही कि घर में मतला मेरा दाना कहीं भी करता रहे, मेरे बच्चों का असर पड़े, क्योंकि मेरे बच्चे भी ऐसे बिगड़ गए। नाम क्या है आपका? नजीमुल्ला। अच्छा नजीमुल्ला जी, ये बताइए क्या क्या हुआ था, क्या बात आपसे हुई थी और कितने की सुपारी दी गई थी? सुपारी तो दी इनकी मुमानी ने, इन्हें जो भी दी। अच्छा, ठीक हाँ। उस सुपारी तक तो मैं हूँ नहीं, हाँ। मगर मैंने अपनी भतीजी के साथ इसकी वीडियो में इधर बलात्कार देख लिया। अपनी भतीजी के साथ? अपनी भतीजी के बारे में मैंने तो उस दिन से ये फैसला कर लिया कि जहाँ भी हत्या पे छोड़ेगा छोड़ूंगा नहीं। और इसकी माँ पे, लड़के की माँ पे उसका चिप होती है क्या, उसमें मोबाइल में चढ़ा डाल देते हैं, वो चीज़ है उसके पास, उसमें आप भी देख लेना। तांत्रिक था वो? तांत्रिक था, ये दवाई में देता था लड़कियों को और ये बुरा काम करता। तो फिर आप लोग संपर्क में कैसे आए, आप ये और आप लोग कैसे मिले? ये मेरा बेटा है, ये बेटे का साला है, समझे? अच्छा। हाँ, मैंने इन्हें अपनी मदद के लिए बुलाया था। दवाई की गई है और हत्या की क्या कारण है? दिनांक 11/4/2016 को श्रीमती रेहाना पत्नी असगर अली उर्फ इरफान निवासी मोहल्ला सीता कॉलोनी डबल फाटक थाना कटघर, इन्होंने थाने आकर सूचना दी कि 10 तारीख यानी कि एक दिन पहले से ही उनके पति असगर अली और इरफान जो रूहानी हकीम इलाज करते थे और तांत्रिक भी थे, ये अपने घर से अपनी कार स्विफ्ट डिजायर नंबर UP21AY3204 लेकर गए थे और तब से गायब चल रहे हैं। तो इसी बात पे पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करते हुए और फिर उसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन करी तो पता पड़ा कि इस व्यक्ति का मर्डर हो गया और इनकी लाश जो है वो उत्तराखंड में हल्द्वानी के पास कहीं बरामद करी गई। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पुलिस ने 5 लोगों को इस केस में अरेस्ट कर लिया, जिसमें जो मृतक है उसकी पत्नी खुद इन्वॉल्व पाई गई है। पत्नी अपने पति से आजिज होकर त्रस्त होकर उसने इस तरह की घटना को अंजाम कराना बताया है, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा है। और पत्नी का नाम है श्रीमती रेहाना। करीबन 1,70,000 रुपये की सुपारी में कत्ल करवाना इसमें तय करवाया गया। और 4 अन्य लोग जिनके नाम नजीबुल्ला, सलामत राशिद और नूर मोहम्मद और हैं, जिनको भी पुलिस ने इसमें अरेस्ट कर लिया। ये लोग भी श्रीमती रेहाना जो हैं इनके रिश्तेदार हैं, जो श्रीमती रेहाना इनमें से एक की सलज लगती हैं और बाकी सभी उनके बेटे और साले इस तरीके से और दोस्त हैं। तो इस तरीके से पुलिस ने 5 लोगों को इस केस में अरेस्ट कर लिया।